मूवी की शुरुआत मैलोरी नामी औरत से होती है, जिसे वॉकी टॉकी पर सेफ जगह का बताया जाता है जहां रिवर से ही जाया जा सकता है। मैलोरी दो बच्चों को, जिनके कोई नेम्स नहीं है, एक गर्ल और एक बॉय को समझाती है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड रिवर पर जाएंगे, लेकिन ना उन्हें ब्लाइंड फोल्ड को उतारना है ना ही आवाज निकालनी है, वरना वो मर जाएंगे। और साथ वो पर्ट को बॉक्स में डाल के ले आती है। घर से निकलकर वो स्टेप्स गिनते रिवर के पास आती है और बोट निकालकर उस पर महसूस करते हुए ही बच्चों को बिठा देती है और फिर खुद भी उस पर सवार होकर सफर स्टार्ट कर देती है। इधर हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मैलोरी प्रेग्नेंट है और एक दिन उसकी बहन जेसिका उसके घर आती है। वो उसे न्यूज दिखाती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि यूरोप और रशिया में एक आम से सुसाइड्स होने लग गए हैं और सुसाइड करने वाले बहुत साइकोटिक वे में सुसाइड कर रहे हैं। मैलोरी ये सब यूरोप में होने और अमेरिका ना आने की वजह से और नहीं करती। मैलोरी की रूटीन चेकअप अपॉइंटमेंट के लिए जेसिका उसके साथ जाती है। वो दोनों अपॉइंटमेंट से होकर बाहर आते हैं तो मैलोरी बाथरूम जाती है और जेसिका को कार में बैठकर वेट करने का कहती है। जब वो बाथरूम से निकलकर बाहर आने लगती है तो देखती है कि न्यूज पर बताई गई रिपोर्ट के मुताबिक एक औरत शीशे में सर मारकर सुसाइड कर रही है और ये देखकर मैलोरी कार की तरफ भागती है। वो जेसिका को रशिया और यूरोप वाले केस इधर भी आने का बताते हुए जल्दी निकलने का कहती है और हम देखते हैं कि रोड पर कुछ दिखने पर बहुत से ड्राइवर्स एक्सीडेंट करते जा रही हैं। मैलोरी जेसिका का मोबाइल लेने मुड़ती है तो जेसिका को भी कुछ नजर आता है जिससे वो बहुत सैड हो जाती है और गाड़ी को घुमाती उसका एक्सीडेंट कर देती है। वो दोनों कार से निकलती ही हैं कि जेसिका मैलोरी के सामने ट्रक के आगे आकर सुसाइड कर लेती है और मैलोरी शॉक में उधर ही देखती रहती है। भागते हुए लोग उसे पुश करते आगे भर जाते हैं तो वो गिर जाती है। लाइडिया नामी औरत मैलोरी की हेल्प करने आती है जिसपे उसका हस्बैंड डगलस एग्री नहीं करता। इसी दौरान लाइडिया को कुछ दिखता है जिससे वो मॉम कहते जल्दी कार में बैठ जाती है जो ब्लास्ट कर जाती है। वहां से भागता एक शख्स टॉम मैलोरी को उठाकर ग्रेग नामी पर्सन के घर लाता है जहां डगलस भी बहुत से लोगों के साथ मौजूद होता है। टॉम सबको विंडोज और डोर कवर करने और बाहर ना देखने से मना करता है क्योंकि उसने कुछ देखने पर ही अपने कॉलीग्स को मरते देखा था। मैलोरी अपनी मदर को कॉल करने लग जाती है जबकि बाकी सब न्यूज देखकर अपनी थ्योरीज बताने लगते हैं, जिनमें से चार्ली बताता है कि माइथोलॉजी के मुताबिक ये डीमंस हैं जो एंटिटीज के जरिए ऐसी चीज दिखाते हैं जो आपको सैड करे या आपका ग्रेटेस्ट फियर हो। कोई भी उसके बाद वो लॉजिकल ना समझते हुए वो और नहीं करता और टॉम मैलोरी को चेक करने आता है तो मैलोरी उसे रोते हुए सब बताती है जो डगलस सुनकर उन्हें बताता है कि लाइडिया अपनी मदर कैसे देख सकती है जबकि वो 10 साल पहले ही मर चुकी है। नेक्स्ट दिन सब लिविंग रूम में बैठे सप्लाईज के कम होने का हल सोच रहे होते हैं तो डोर पर नॉक होता है। डगलस किसी को भी अंदर आने से मना करता है लेकिन मैलोरी गन पॉइंट पर उसे रोक देती है। टॉम सबकी आंखें बंद करवाकर ओलंपिया नामी औरत को अंदर लाता है तो उन्हें पता चलता है कि ओलंपिया का हस्बैंड एयरफोर्स के लिए गया था और ओलंपिया घर में बंद थी लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से उसने सारी सप्लाईज खत्म कर दी थी। ओलंपिया की इस बात पर डगलस प्रेग्नेंट औरतों के सप्लाईज खत्म करने पर तंज करता है जिस पर फिर सप्लाईज लाने का सवाल उठता है। ग्रेग उन्हें कहता है कि वो सर्विलेंस कैमरा से देखते हुए सप्लाईज लेकर आ सकते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट इमेज नहीं आ रही और वो एंटिटी इफेक्ट नहीं करेगी। ये सच प्रूफ करने के लिए किसी को पहले ट्राई करना होगा जिसके लिए ग्रेग खुद ही वॉलंटियर करता है और अपने आप को चेयर से बांधकर स्क्रीन देखने लग जाता है जबकि बाकी रूम से बाहर चले जाते हैं। ग्रेग स्क्रीन को गौर से देख रहा होता है कि उसे एक शेडो दिखता है और उसकी आंखों में सैडनेस आ जाती है। घर में फिरते लोगों को रूम से मारने की आवाजें आती हैं तो वो फौरन उधर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रेग ने सर पर टेबल मार मार कर सुसाइड कर ली है। वो सब आंखें बंद के स्क्रीन को डिस्ट्रॉय करते हैं और सैड वहां से चले जाते हैं। सीन्स प्रेजेंट में आते हैं तो हम देखते हैं कि मैलोरी और बच्चों को रिवर में बोट पर बैठे सफर करते 14 घंटे हो गए हैं और तभी किसी एंटिटी से अफेक्टेड शख्स की आवाज आती है जो उन्हें ब्लाइंड फोल्ड उतारने का कहता है लेकिन मैलोरी बच्चों को ब्लैंकेट देकर छुपा देती है और खुद उस शख्स से लड़ने लग जाती है। मैलोरी उससे स्वॉर्ड से हिट करती
धूल गिरा देती है और बोट जल्दी से आगे बढ़ा देती है। फ्लैशबैक सीन्स में टाइम गुजरता है और सप्लाईज खत्म होने लग जाते हैं। चार्ली सुपरमार्केट में काम करने की वजह से सुपरमार्केट की लोकेशन बताता है जहां सारी सप्लाईज मिल जाएंगी और सब ग्रुप में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले वो कार के शीशों को बाहर से ब्लैक पेंट करते हैं और अंदर वो न्यूज़पेपर लगा देते हैं। फिर लूसी, चार्ली, डगलस, टॉम और मैली सुपरमार्केट जाने के लिए निकलते हैं। तो जीपीएस के जरिए उन्हें गाड़ी के पास एंटिटी फील होती है और उसका शेडो भी दिखता है, जिसे देखकर टॉम जल्दी से गाड़ी चलाता सुपरमार्केट पहुंच जाता है। उधर वो ब्लाइंड फोल्डेड अंदर जाते हैं और विंडोज बंद करके ब्लाइंड फोल्ड उतार के खाली सुपरमार्केट से सामान जमा करने लग जाते हैं। मैलरी वहां से बर्ड्स भी लेती है और डगलस के बुलाने पर सब उसकी बातें सुनने उसके पास आते हैं। बातों के दौरान एक रूम से कोई डोरनो किए जाता है। जब टॉम थोड़ा डोर खोलता है तो वहाँ चार्ली का कॉलिक निकलता है, जिसके बारे में चार्ली बताता है वो क्रेजी होने की वजह से प्रिजन में था। वो शख्स एंटिटी से इन्फेक्टेड होता है और बाकियों को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ा गया है। वो डोर खोल कर बाहर आने की कोशिश करता है, जिस पर बाकी जोर लगाए उसे रोक रहे होते हैं। कोई सोल्यूशन ना दिखने पर चार्ली उसे पुश करते साथ उस रूम में चला जाता है। वो शख्स चार्ली को एंट्री दिखाकर मार देता है और फिर दरवाजा खोलने का कहता है। उधर ही मैलरी नोट करती है कि अगर एंट्रीज करीब हो तो बर्ड्स शोर मचाती हैं। सब जल्दी से बाहर निकलते गाड़ी में बैठते घर पहुंचते हैं और चार्ली की वजह से बहुत उदास होते हैं। रात होती है तो डगलस और मैलरी किचन में खड़े बातें कर रहे होते हैं, जब उन्हें कार की आवाज आती है और सबके देखने पर पता चलता है कि फेलिक्स और लूसी कार अपना सामान और कुछ सप्लाईज लेकर चले गए हैं। प्रेजेंट में मैलरी और बच्चों को रिवर पर 24 घंटे हो चुके होते हैं, जब बोट किसी और बोट से टकराती है, जिससे बॉय पानी में गिरता है। मैलरी उसे उठाकर ब्लैंकेट देने लगती है तो उसे पता चलता है कि ब्लैंकेट और फूड पानी में गिर गया है। तभी उसे आवाज आती है, जिससे कोई घर करीब होने का पता चलता है। मैलरी बोर्ड उस तरफ लेकर जाती है और उस शोर पर रोककर बच्चों का ब्लाइंडफोल्ड ना उतारने और अपने पीछे ना आने का कहकर वहां से चली जाती है। मैलरी स्ट्रिंग अटैच किए आगे बढ़ती बिल्डिंग में जाती है और वहां से ब्लैंकेट्स और फूड उठा लेती है। मैलरी को एंटिटी की आवाज आती है तो वो जल्दी से बाहर आती है, जबकि गर्ल मैलरी को चीख सुनकर अपने आप को रोक बांधे मैलरी को ढूंढने जाती है। मगर वो फॉरेस्ट में पहुंचती ही है तो मैलरी उसे पकड़ के गुस्सा करती है और बोट पे ले आती है और सफर दोबारा शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं कि मैलरी की ओलंपिया और टॉम से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। एक दिन मैलरी टॉम के लाइव वॉकी टॉकी चेक कर रही होती है कि उसे डोर से आवाजें आती हैं और देखने पर पता चलता है कि ओलंपिया ने गैरी नामी शख्स को अंदर घुसा लिया है। सब आवाजें सुनकर आते हैं तो गैरी बताता है कि वो अपने कॉलीग के साथ उसके घर थे, कि कुछ लूनेटिक्स ने उनके घर को ब्रेक किया और उन्हें स्ट्रीट पर ले जाकर एंटिटीज देखने पर मजबूर किया, जो गैरी के मुताबिक उसने नहीं देखी थी। तभी उनमें से एक ने उन्हें गिरा दिया और सब वहां से भागते रहे और भागते हुए गैरी यहां आ गया। डगलस गन पॉइंट पर उसे बाहर निकलने का कहता है, लेकिन चैरिल उसे वास मारकर बेहोश कर देती है और टॉम उसे गैराज में रख देता है। सब डगलस के जाने पर इंजॉय कर रहे होते हैं कि ओलंपिया लेबर में चले जाती है और मैलरी उसके लिए पानी ला रही होती है कि उसका वाटर बैग भी ब्रेक हो जाता है। ओलंपिया और मैलरी को चैरिल रूम में ले जाती है, जबकि नीचे गैरी अपनी एंटिटीज के बारे में बनाए स्केचेस निकालता है और उसे देखते हुए वो इफेक्टेड हो जाता है और बर्ड्स को फ्रीजर में रखकर विंडो से न्यूज़पेपर उतारने लग जाता है। डगलस उसे देखते हुए आवाज देता है तो वो गैराज का गेट खोलता है ताकि वो बाहर एंटिटी को देख सके। तभी टॉम आवाजें सुनता नीचे आता है और उसे गैरी की स्केचेस दिखते हैं। ऊपर ओलंपिया की बेटी और मैलरी का बेटा होता है और वो उसे देख रहे होते हैं कि गैरी उनके पास आता है। वो बच्चों को देखकर विंडो से पेपर उतारता है, उन्हें बाहर देखने का कहता है, मगर मैलरी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन ओलंपिया एंटिटी से इफेक्ट हो जाती है और उसकी बेटी को लिए आगे बढ़ने लगती है कि मैलरी उससे बेबी को लेकर ब्लैंकेट के नीचे छुपा जाती है। ओलंपिया विंडो से जंप करती मर जाती है और चैरिल को भी गैरी बाहर देखने पर फोर्स करता है, जिससे वो सीजर्स अपनी नेक में मारती हुई मर जाती है। फिर गैरी मैलरी और बच्चों की तरफ आता है तो उधर डगलस गन लिए आ जाता है और उनमें लड़ाई होते हुए वो नीचे जाते हैं और गैरी डगलस को सीजर से मार देता है। पास ही गैरी के टॉम गिरा होता है, जो गैरी से गन छीन कर गैरी को शूट करके मार देता है। टॉम मैलरी के पास आता है और सिर्फ ये चार, यानी मैलरी के दो बच्चे और टॉम 5 साल साथ गुजार देते
जाते हैं। 5 साल बाद हम देखते हैं कि बच्चों को जो कि एक बॉय और गर्ल है, मैलरी एंट्री से बचना सिखाती है। टॉम और मैलरी एक रिलेशनशिप में है और वो दूसरे घरों से सामान लेकर सर्वाइव कर रहे हैं। एक दिन मैलरी सामान लेना चाहती है तो उसे कार में ब्लाइंड फोर्स के बकाये सर्वाइवर दिखते हैं जो उसे पहले भी बहुत दफा दिख चुके हैं। इसलिए मैलरी बहुत परेशान है और टॉम उसे तसल्ली देता रहता है। उस रात उन्हें वॉकी टॉकी पर रिक नामी शख्स राबता करता है। ये वही मूवी के स्टार्ट वाला सीन है जहां वो बताता है कि वो लोग एक सेफ कम्युनिटी में हैं, जहां एंटिटीज अटैक नहीं कर सकती। साथ ही वो उनकी लोकेशन पूछकर बताता है कि उन्हें रिवर से आना पड़ेगा, इसलिए अगर उनके साथ बच्चे हुए तो मुश्किल होगा। मजीद वो अपने हाइड आउट की निशानी बहुत से वर्ड्स की आवाजें बताता है और ये बताकर रिक का कनेक्शन खत्म हो जाता है। टॉम छुकर सरवाइव करते थक चुका होता है, इसलिए वो इस कम्युनिटी जाना चाहता होता है, लेकिन मैलरी रिक पर यकीन ना करते हुए स्केप्टिकल होती है। टॉम के बच्चों को एपोकलिप्स से पहले की स्टोरीज बताने पर दोनों की लड़ाई होती है, जिस पर टॉम माफी मांगकर लड़ाई खत्म कर देता है। अगले दिन टॉम मैलरी और बच्चों को लेकर खाना ढूंढने किसी घर जाते हैं और उधर बैठे खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बगैर ब्लाइंडफोल्ड के फिरते सर्वाइवर्स वहाँ आते फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और टॉम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैलरी को बच्चों को लेके बैक डोर से जाने का कहता है और समझाता है कि अगर वो मर गया तो वो बोट लेके कम्युनिटी चले जाए। ये कहकर दोनों डिफरेंट डोर से निकलते हैं और टॉम अपना ब्लाइंडफोल्ड उतार कर सबको मारने लग जाता है। सबको मारते हुए वो एंटिटी से इफेक्ट होता है तो वो आखिरी शख्स को मारकर अपने आप को ही शूट कर लेता है और गनशॉट सुनकर मैलरी समझ जाती है कि टॉम मर गया है। वो बच्चों को लेकर घर जाती है और वहाँ टॉम की डेथ पर रोती रहती है। फिर मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए सीन के अकॉर्डिंग बच्चों को समझा के बोट लिए रिवर पर आ जाती है। इवेंट्स प्रेजेंट से कंटिन्यू होते हैं तो हम देखते हैं कि रिवर पर सफर करते 48 घंटे होते हैं और रैपिड्स आने से पहले मैलरी बच्चों को बताती है कि उन दोनों में से किसी एक को ब्लाइंडफोल्ड उतार कर रास्ता देख कर बताना होगा और वो ये खुद इसलिए नहीं कर सकती कि अगर वो इफेक्टेड हो गई तो बच्चों का कुछ नहीं कर सकेगी। मैलरी सोच में बैठी सफर कंटिन्यू करती है और रैपिड्स के आने पर वो डिसाइड नहीं कर पाती कि किस बच्चे का ब्लाइंडफोल्ड उतारे, इसलिए वो फैसला करती है कि कोई भी ब्लाइंडफोल्ड नहीं उतारेगा और वो ऐसे ही निकल जाएंगे। रैपिड्स आते हैं तो बोट छटके खाती आगे बढ़ रही होती है और बोट उलट जाती है जिससे तीनों पानी में गिर के अलग हो जाते हैं। मैलरी हाथ पांव मारते बच्चों को ढूंढने लग जाती है। वो बॉय को उसकी आवाजों से पहचान कर उठा लेती है। गर्ल की बेल की आवाज फॉलो करते शोर पर पहुंचती है। वो फॉरेस्ट से रिक की निशानी के मुताबिक बर्ड्स की आवाजें सुनकर जान जाती है कि कम्युनिटी फॉरेस्ट में ही है। वो बच्चों को लिए फॉरेस्ट में जाती है तो टक्कर लगने से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। बॉय और गर्ल मैलरी को आवाजें देते रहते हैं, लेकिन एंटिटी मैलरी की आवाज निकाल कर उन्हें अपनी तरफ बुलाता जाता है और जब मैलरी उठती है तो उसे पता चलता है कि एंटिटी बच्चों को ब्लाइंड फोर्स उतारने पर फोर्स कर रहा है। मैलरी आवाज देकर बॉय को रोक देती है, फिर उसकी बेल को फॉलो करती उस तक पहुंच जाती है और गर्ल को आवाज देती है, लेकिन वो आगे से जवाब नहीं देती क्योंकि वो मैलरी के गुस्से से डरी होती है। मैलरी उसे काम करने के लिए टॉम की बताई अनफिनिश स्टोरी कंप्लीट करती है तो गर्ल उसके पास आ जाती है और मैलरी दोनों को बर्ड्स की आवाज फॉलो करने का कहती है। वो उसे फॉलो कर रहे होते हैं कि कभी जेसिका कभी टॉम इन दोनों की आवाज में एंटिटी उन्हें रोकती है, लेकिन जब वो नहीं रुकते तो एंटिटीज हाई वॉल्यूम में ग्रोल करने लग जाते हैं। मैलरी गर्ल और बॉय को लिए कम्युनिटी तक पहुंचती है और डोर बजाकर अंदर आने देने के लिए बैक करती है। दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर लाया जाता है और उनकी आईज चेक करने के बाद रिक उन्हें मजीद अंदर ले जाता है जहां वो सेफ होते हुए अपने ब्लाइंडफोल्ड उतार देते हैं और देखते हैं कि बहुत से लोग उधर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उधर ही मैलरी को अपनी पुरानी डॉक्टर मिलती है, जिसके पूछने पर मैलरी बच्चों को ओलिम्पिया और टॉम नाम देती है और अपने आप को उनकी मदर बताती है।